ताजनगरी आगरा में सियासत गर्मा गई है। यहां सपा नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी पर प्राणघात हमला किया है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बुरी तरह घायल हो गए। बीजेपी समर्थकों ने सपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी समर्थकों ने प्रत्याशी पर हमलावर की गिरफ्तारी की मांग की। आपको बता दें कि आगरा उत्तर विधानसभा से विधायक और प्रत्याशी पर सपा नेताओं ने लाठी डंडों से प्राणघातक हमला कर दिया। ये घटना प्रचार के दौरान थाना न्यू आगरा के बालकेश्वर क्षेत्र में हुई थी। विधायक जगन ने स्थानीय सपा नेता पर आरोप लगाया कि ये हमला उनके द्वारा कराया गया है। तो समाजवादी पार्टी के 4-5 गुंडों ने और कुछ लोगों को मिलकर के और उन पर जानलेवा हमला किया है। विधायक जी उसी समय से धरना पर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग ये है कि पुलिस जो है उन गुंडों को जिन्होंने खुलेआम जनसंपर्क के दौरान पीछे से जानलेवा हमला किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। जो यदि वो भाग गए हैं तो उनके घरों में तलाशी लेकर के उनके घर को सील किया जाए। ये हमारी मांग है कि जिस प्रकार के आगरा के सबसे सीधे और सबके प्रिय विधायक जगन प्रसाद गर्ग जी आज अपना चुनाव प्रचार बलगेसर में कर रहे थे, आज कुछ अलग पार्टियों समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने आज उनके साथ मारपीट करके ये जगा दिया है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार है वो किस तरह की सरकार है। और आगरा में और पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाजवादी पार्टी का है। आज यहाँ पे हम अग्रवाल समाज की ओर से जगन प्रसाद गर्ग जी को बलगेसर में अपने 35-40 कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहा था। वो दरमान आदर्श नगर बलकेसर का बिमल नाम का गुप्ता जो गुंडा है, यहाँ की उसकी गुंडागिरी है इस बस्ती में, जो युवा सट्टा भी कराता है, उसने मेरे पर समाजवादी पार्टी का वो नेता है उसने मेरे पर प्राणघातक हमला किया। एक डंडा मेरे सिर में लगा, मेरे पुलिस कर्मियों ने मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया और उसके साथ 4 लोग अन्य थे। जब तक उन 5 की गिरफ्तारी